बटरफ्लाई पोज योगा। नमस्कार, मैं शक्ति, फिटनेस एक्सपर्ट ऑफ गुडविज फिटनेस। आज हम करने जा रहे हैं बटरफ्लाई पोज। बद्धकोण आसन भी कहते हैं इसे, लेकिन बटरफ्लाई तब हो जाता है जब इसको हम मूव कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बटरफ्लाई किस तरह से करते हैं देखते हैं। सबसे पहले मैट पर आपको इस स्थिति में बैठना है। अपने दोनों पैरों को इस तरह से मिलाते हुए, मतलब अपनी जो सोल है पैर का, एक दूसरे से मिलाते हुए और फिंगर से, मतलब इसे क्लच करते हुए दोनों हाथों को शरीर को एकदम टर्न के, मतलब स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए इस तरह से लॉक कर देना है। आपके जो हील हैं ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ आपको ले जाने हैं, बाहर की तरफ नहीं। तो इस तरह से ये आपका पोस्चर हुआ। ज्यादा से ज्यादा आपको नीज जो है नीचे की तरफ, ये बद्धकोण आसन हो जाता है अगर आप इसको मूव करते हैं। तो ये है आपका बटरफ्लाई पोज। इस तरह से ज्यादा आपको जमीन की तरफ, मतलब आपका जो हिस्सा है, आपका नीज है, वो नीज आपके फ्लोर की तरफ लगने चाहिए। इसको आप 1 से 2 मिनट, 2 से 3 मिनट और 5 मिनट तक भी कर सकते हैं। जिन लोगों को क्रॉस लेग, मतलब इस तरह से नहीं बैठा जाता है, वो इस आसन में बैठ सकते हैं। अगर अंदर ज्यादा करने में दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा बाहर आप इस पैरों को इस तरह से रख सकते हैं और फिर इसी मुद्रा को इसी पोजिशन में बैठ कर, बैक को स्ट्रेट करके, ज्यादा झुकाए नहीं नीचे, इस तरह से मूव कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं इनके फायदों की तरफ। तो सबसे पहले फायदा इसका ये है कि जब आप इसको स्ट्रेच करते हैं, अपनी लेग को ओपन अप करते हैं, तो जो आपकी इनर थाई है, ये जो आपका इनर थाई का एरिया है, काफ़ी टोन अप होता है। जब आप मूव करते हैं, 1 से 2 मिनट मूव करेंगे, तो यहाँ पे आपको पेन आना शुरू होगा। तो इसका मतलब आपकी मसल की टोनिंग हो रही है, मसल स्ट्रेंथनिंग बढ़ रही है। और जो जिनको प्रॉब्लम होती है यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा आसन है ये बटरफ्लाई आसन। जब हम मूव करते हैं, वैसे तो वो क्रिया बन जाती है, बट ये इसको हम आसन ही कहते हैं। और ये आपकी थाई और हिप को भी मजबूत करता है, लेग्स को टोन करता है। स्पाइन स्ट्रेट रखने से आपका जो पोस्चर है काफ़ी अच्छा रहता है, बैक पेन में भी रिलीफ देता है। लेकिन ज़्यादा सीधे बैठने से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, जिनको बैक पेन है ऑलरेडी, तो वो आसन अवॉइड करें या फिर पीछे बैक का सहारा लें, मतलब वॉल का सहारा ले सकते हैं आप लोग, तब इस आसन को अच्छे से कर सकते हैं। जिनको पीरियड्स की प्रॉब्लम है, पीरियड्स मतलब कि PCOD की दिक्कत है, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है। मन को शांत करता है, आप आंखें बंद करके इस मुद्रा को आराम से कर सकते हैं। और जिनको स्ट्रेस है, चिंता रहती है किसी बात की, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा आसन है। जो वुमेन प्रेग्नेंट है उनके लिए भी काफ़ी अच्छा आसन है, मतलब डिलीवरी के टाइम उनको जो पेन उठता है वो भी काफ़ी रिलीफ रहता है। जिनकी नॉक नीज है, मतलब नीज इस तरह से मिली भी होती हैं, उनको भी ये दूर करता है, नॉक नीज की प्रॉब्लम को भी ये दूर करता है और ये पाचन क्रिया को भी बढ़ाता है। जो लोग बहुत देर तक खड़े रहते हैं या बहुत देर तक बैठे रहते हैं, उनका काम इस तरह का है कि देर तक बैठना और देर तक खड़े होने का है, देर तक चलने का है, तो ये आसन करने से उनकी लेग की जो थकावट है काफ़ी दूर होती है, काफ़ी रिलैक्स होती है, वो काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है नीज की तरफ, तो ये जोड़ों के दर्द को भी काफ़ी रिमूव करता है। इस आसन को करते वक्त आपको ध्यान क्या रखना है, जिनको नी प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस वगैरह है, नी नहीं मोड़ सकते हैं, आपका फ्लूड कम हो गया है नी का, स्नेवल फ्लूड होता है वो कम हो जाता है जिससे नीज पास में आ जाती है, अगर दिक्कत है कुछ इस तरह की, हिप में कोई दिक्कत है, हिप इंजरी हुई है, और अगर साइटिका का पेन है, तब तो आप कर सकते हैं, बट इसको ज़्यादा फास्ट नहीं करना है आपको, तो आपको अवॉइड करना है इनमें। लेकिन आप साइटिका में कर सकते हैं एक बार को, बट एक्सपर्ट की राय के अनुसार ही करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बेनिफिट्स आप ज़रूर सुनिए, देखिए, दोबारा इस वीडियो को देखिएगा और अच्छे से इसके जितने भी फायदे बताए गए हैं, जिस तरह से इसकी टेक्निक बताई गई है, उसको कीजिएगा। थैंक यू सो मच, दोबारा मिलते हैं, धन्यवाद।